आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे सामने निकल के आ रही है। दोस्तों अगर आप भी एक किसान भाई हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ, बिल्कुल पक्के सबूतों के साथ इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हो पाया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपने अकाउंट में चेक कर पाएंगे, किस तरीके का मैसेज आपको आया है जिसके तहत बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 2020 की जो पहली किस्त है दोस्तों वो किसानों के खाते में डाल दी गई है। दोस्तों करोड़ों किसानों को हम बात करें, लगभग 6 करोड़ किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की बहुत ही बड़ी रकम जो है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है कर्नाटक के अंतर्गत से एक सभा को संबोधित करते हुए एक बटन दबाकर वहां से डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से डायरेक्ट पैसा जो है किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। आप जिस भी क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं आप अपने राज्य का नाम कमेंट में जरूर बताएं कि किस क्षेत्र से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में भी आप जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उस खबर की ओर। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज आपको भी आया होगा। आप देख सकते हैं मेरे को 8:23 पे मैसेज आया था 1 मिनट पहले, जिसमें स्पष्ट रूप से बता रखा है कि पीएम किसान योजना के तहत दिसंबर 2019 से मार्च 2020 की अवधि के बीच जो पैसा है वो किसानों के बैंक अकाउंट में डाल दिया गया है। तो जैसे ही हम मैसेज को ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से मैसेज हमारे सामने ओपन होता है और आप यहां पे देख सकते हैं एडी किसान के नाम से इस तरीके से यहां पे मैसेज आया है। इसमें आप देख सकते हैं 8:22 PM के समय ये मैसेज आया है, 2 जनवरी 2020 को ये मैसेज आया है। दोस्तों काफ़ी लोगों को हम बात करें तो ये मैसेज जो है 2 जनवरी से लेके 5 जनवरी के बीच तक पहुँच सकता है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें बहुत ही बड़ी रकम यानी कि 12,000 करोड़ रुपए जो है सभी किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक ही समय पे सभी किसानों को मैसेज नहीं आ रहा है, किसी को 7 बजे पैसे मिल रहे हैं, किसी को 9 बजे, किसी को 8 बजे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफर में वेरिफिकेशन होने के बाद जिस किसान के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं उसका वेरिफिकेशन होने के बाद ही उस किसान के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले वहाँ पर मोदी सरकार ने जो पैसा था सभी अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है सभी राज्यों की सरकार के पास भेजा है, वहाँ से जो है सभी किसानों के पास भेजा जाएगा अप्रूवल करके स्टेट वाइज। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैसेज में स्पष्ट रूप से बता रखा है कि पीएम किसान योजना के तहत दिसंबर 2019 से मार्च 2020 की अवधि की 2,000 रुपये की सम्मान राशि जो है आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। आशा करता हूँ हर 4 महीने पर मिलने वाली इस राशि से आपको खेती की जरूरत में मदद मिलेगी। नववर्ष की शुभकामना सहित नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इस तरीके के मैसेज जो आप देख सकते हैं नववर्ष की शुभकामना के साथ आया है। हम आपको बता दें मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक साल सभी किसानों को 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। उसके तहत दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 इस तरीके से 4 महीने की जो अवधि है उसकी पहली किस्त जो है 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुर से लाइव जो है डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से बटन दबाकर सभी किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। तो दोस्तों हालांकि सभी किसानों तक ये किस्त नहीं पहुंच पाई है, लेकिन फिर भी काफ़ी किसानों तक ये किस्त जो है पहुंच चुकी है। अगर आपको भी किस्त मिल चुकी है या नहीं मिली है उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए हम आपको आगे की खबर बताएं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस तरीके से एक छोटे से बेल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएँ। और दोस्तों अगर आप मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हैं तो दोस्तों आप वीडियो को दिल से लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों और किसान भाइयों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँच पाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो होगा कि इस कैंडिडेट ने ये वीडियो डाला है, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए हम आपको आगे की बात बताते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं पीएम मोदी ने मंच से दबाया बटन, 6 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पहुंच गया 12,000 करोड़ रुपए। दोस्तों ये बटन दबाने का वीडियो जैसे ही मोदी सरकार ने बटन दबा के
वहां से किसानों के बैंक खाते में पैसे डाले उस समय का लाइव वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे एक आरके किसान हेल्प सेंटर नाम से हमारे दूसरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके उस चैनल के ऊपर मैंने लाइव रिकॉर्डिंग का वीडियो डाल रखा है जिसमें मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से भाषण देते हुए बताया कि हम यहाँ पे बटन दबा के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में 8 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं। वो वीडियो अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है या आप सर्च कर सकते हैं आरके किसान हेल्प सेंटर, उस चैनल पे आपको उस वीडियो का लाइव भाषण आपको मोदी का मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से बटन दबाकर सभी किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है डाल दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे 2 दिन के कर्नाटक दौरे पे गए हुए थे, इस दौरान पीएम मोदी ने तुमकुरु में भी श्री सिद्ध गंगा मठ का दर्शन किया और तुमकुरु से ही उन्होंने किसानों के एक जनसभा को संबोधित किया। उन्हें अपने संबोधन में पहले पीएम मोदी ने मंच से बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तीसरी किस्त सभी किसानों के बैंक अकाउंट में भेज दी है। पीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8वें करोड़ किसान के बैंक खाते में पैसा जमा किया गया है। इतने कम समय में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में एक साथ देश के 6 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 12,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। तो दोस्तों आप यहां पे ट्वीट भी देख सकते हैं, इसमें भी स्पष्ट रूप से बता रखा है कि 8 करोड़ फार्मर्स आल्सो टूडे इन द प्रोग्राम, टोटल आरएस 12,000 करोड़ हैज बीन डिपोजिटेड इन द अकाउंट ऑफ 6 करोड़ फार्मर फैमिलीज अक्रॉस, यानी कि 6 करोड़ किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में 12,000 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोदी सरकार किस तरीके से लाइव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले इस घोषणा की थी कि हम सभी किसानों के बैंक अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये सीधे डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से सभी किसानों को 3 किस्तों के जरिए 2,000 रुपये प्रोवाइड कराएंगे। उसी के मुताबिक अब तीसरी किस्त जो है किसानों के बैंक अकाउंट में आ चुकी है। दोस्तों जिन लोगों ने लेट आवेदन किया है उनको अभी पहली किस्त मिली है, जिन्होंने इससे पहले आवेदन किया था उनको दूसरी किस्त, और जिन्होंने सबसे पहले आवेदन किया था उनको चौथी किस्त भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से जिस जिस समय में लोगों ने आवेदन किया है उसके हिसाब से उन सभी को किस्तें प्रोवाइड हो रही है। मेरे को काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमें पहली किस्त मिली है हमें दूसरी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए जिस समय आपने आवेदन किया था उसी समय से आपको 4 महीने के बाद आपको किस्त जो है मिल गई है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीबों के खाते में पूरा पैसा पहुँचा। मोदी सरकार ने बताया कि एक दौर वो था जब गरीबों को 1 रुपये भेजा जाता था तो सिर्फ 15 पैसे ही किसानों के पास पहुँचे जाते थे, 85 पैसे तो बिचौलिए खा जाते थे। इस तरीके से इस स्कीम की यहाँ पे पहल की गई है और डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से सभी किसानों को डायरेक्ट जितना बेनिफिट मोदी सरकार यानी कि गवर्नमेंट दे रही है उतना का उतना पूरा लाभ जो है किसानों के पास पहुँच रहा है। तो इस तरीके से ये स्कीम जो है सभी स्कीमों से अलग नज़र आ रही है और किसानों को भी इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को नज़र मिल आ रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि आपको भी पैसा मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों मेरे को पैसा मिल चुका है, मैंने आपको लाइव मैसेज बता दिया है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जैसे ही आप मेन साइट के ऊपर आएंगे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपको देख सकते हैं फार्मर कॉर्नर के नाम से ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से 5 ऑप्शन और नए ओपन होंगे जिसमें पहला न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एडिट आधार फीचर रिकॉर्ड, तीसरा बेनिफिशरी स्टेटस, चौथा है बेनिफिशरी लिस्ट और 5वां है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन CSC फार्मर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी किस्त चेक करने के लिए आपको यहाँ पे बेनिफिशरी स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से नेक्स्ट विंडो ओपन होगी और आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होंगे जिसमें पहला आधार कार्ड, दूसरा अकाउंट नंबर और तीसरा मोबाइल नंबर। तो दोस्तों जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उस समय आपने आधार नंबर भी दिया था, अकाउंट नंबर भी और उसमें मोबाइल नंबर भी, अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक अवेलेबल है एक उपलब्ध है तो आप उससे अपने अकाउंट की स्थिति चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पे आधार नंबर से चेक करने वाला हूं, तो मैं यहां पे आपको आधार नंबर आपको यहां पे इनपुट करना है और उसके बाद गेट डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं यहां पे एक कैंडिडेट का फिलअप कर लेता हूं और उसके बाद आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट का आधार नंबर जो है कॉपी कर लिया है, मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं गेट डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों साइट जो है अभी बिजी चल रही है, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम यहां पे आधार नंबर जिस कैंडिडेट का डाला था दोस्तों मेरे को ये पैसा आया है, मैंने उसी कैंडिडेट का आधार नंबर डाला है, जैसा कि मैंने पहले मैसेज में भी आपको दिखाया था मेरे को पैसा आ चुका है। तो दोस्तों लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है,
आप यहाँ पे देख सकते हैं पैसा जो है मैसेज के माध्यम से पैसा आ चुका है और उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन किया था 2/12/2019 को यानी कि 2 दिसंबर को और मेरा जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका था 3 दिसंबर को यानी कि मात्र 1 दिन के अंतर्गत मैंने अपना रजिस्ट्रेशन क्लियर करवा लिया था। तो दोस्तों अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझा सकूं कि किस तरीके से आप भी है जो 1 दिन में अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसे सक्सेसफुल करा सकते हैं। और दोस्तों इसके 1 महीने के बाद 2 जनवरी 2020 को मेरे को 1 महीने में यानी देख सकते हैं 2 दिसंबर को मैंने आवेदन किया और 2 जनवरी को मेरी पहली किस्त भी यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी लिखा हुआ आ रहा है F2I जनरेटेड एंड पेमेंट कॉन्फर्मेशन इज पेंडिंग। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये लिखा हुआ आ रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में वेरिफिकेशन हो रहा है यानी कि जैसे ही कन्फर्म होता है कि ये उसी कैंडिडेट का अकाउंट है तो आपको पैसा यहाँ पे डाल दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन दोस्तों मैसेज आपका आ चुका है लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टेटस में अभी भी अपडेट नहीं हो पाया है, ये जल्द ही 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। जैसे ही अपडेट होता है तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा लाइव आके। इसी कैंडिडेट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा खुद का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर नेम धर्मपाल यादव, दोस्तों मेरे पिताजी के नाम पर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी किस्त को लेके बड़ी अपडेट। दोस्तों अगर आपको भी अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करें किस राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में भी आप जरूर बताएं। और दोस्तों जिन लोगों को पैसा मिल चुका है प्लीज वो भी कमेंट जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि वाकई में मोदी सरकार ने जो है पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा डाल दिया है। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से एक नई लेटेस्ट ताजा अपडेट के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए और मोदी सरकार की इस योजना से आप खुश हैं तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करें और ऐसे ही गवर्नमेंट की योजनाओं से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप जानना चाहते हैं बिल्कुल सटीक और पुख्ता जानकारी के साथ तो दोस्तों वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप सबसे पहले देख पाए और जो भी इस वीडियो में जानकारी इंक्लूड है वो आप सबसे पहले प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार से एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए आप बने रहिए किसान यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवगत हो पाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।